भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल, जिन्होंने साल 1936 में यह खिताब हासिल कर इतिहास रचा था। दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल ने साड़ी पहनकर अपनी पहली उड़ान भरी थी। जी हाँ, दरअसल सरला तब सिर्फ 14 साल की रही होंगी जब उन्होंने 1929 में दिल्ली में खोले गए फ्लाइंग क्लब में विमान चलाने की ट्रेनिंग ली। इसी के साथ वो ए लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट भी बन गई। ट्रेनिंग के दौरान ही सरला की मुलाकात पीडी शर्मा से हुई थी। मुलाकात के कुछ समय बाद ही विमान चालक पीडी शर्मा ने सरला से शादी कर ली। शादी के बाद सरला के पति ने उनको विमान चलाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया, और फिर क्या था, पति का प्रोत्साहन पाकर सरला भी चल पड़ी अपने पंखों को उड़ान देने। शादी के बाद सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में भी ट्रेनिंग ली, और फिर साल 1936 में सरला ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए ही अपनी जिंदगी की पहली उड़ान लाहौर हवाई अड्डे पर दो सीटों वाले जिप्सी मॉथ प्लेन को चलाकर भरी, और इसी के साथ वो बन गई भारत की पहली महिला पायलट।